हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी शक्ल हूबहू किसी बॉलीवुड एक्टर से मिलती हो, और ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर से शक्ल मिलने की वजह से बहुत से सोशल मीडिया स्टार्स ने सोशल मीडिया पर सफलता हासिल की है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिनके बारे में बताने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर सफलता ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना वो नाम बनाया है जिसके कारण आज लोग उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन जी के नाम से पहचानते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है जतिन तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो शशिकांत पेटवाल की है। शशिकांत ने अपनी जर्नी की शुरुआत कब की और कैसे इन्हें अमिताभ बच्चन जी का हमशक्ल बनने का ख्याल आया, ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फैक्ट्स। शशिकांत का फुल नेम शशिकांत पेटवाल है। इनका जन्म 5 जुलाई 1970 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन फिलहाल में शशिकांत पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं। शशिकांत के पिता का नाम गोपाल सिंह है और इनकी मां का नाम कमला बाई है। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई न्यू सिटी हाई स्कूल से की है और इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई एमडी पैलेसा कॉम कॉलेज से की है। शशिकांत को बचपन से ही एक्टिंग में लगाव था और ये बहुत से एक्टर्स की मिमिक्री भी कर लिया करते थे। शशिकांत की इस अच्छी मिमिक्री की तारीफ इनके दोस्त करते थे, लेकिन मिमिक्री के साथ ही पढ़ाई में भी काफी अच्छे स्टूडेंट थे। शशिकांत की मिमिक्री के चर्चे अब फैलने लगे और महज 22 साल की उम्र में ही यानी 14 अप्रैल 1992 को इन्होंने अपना पहला स्टेज शो किया। मिलते नहीं सहज मोती गए रख पाने में, हर बार उसकी मुट्ठी खाली हाथ नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद शशिकांत ने मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर लगभग 1000 स्टेज शो किए। स्कूल और कॉलेज से शुरू की गई मिमिक्री ने शशिकांत की जिंदगी ही बदल दी। शुरुआत में इन्होंने काफी जगह स्टैंड अप कॉमेडी भी की, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में इन्हें ज्यादा फेम नहीं मिल सका। शशिकांत ने अपने दोस्तों की बात सुनकर अमिताभ बच्चन जी का लुक और उनकी मिमिक्री करना स्टार्ट कर दिया और उसी से आज ये कामयाब भी हैं। शशिकांत ने 1997 को अपनी शादी रचाई। शशिकांत गवर्नमेंट आईटीआई के प्रोफेसर भी हैं। अभी फिलहाल में शशिकांत स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ ये सिर्फ सोशल वर्क और अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री ही करते हैं। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। शशिकांत की कद और काठी अमिताभ बच्चन जी जैसी थी, लेकिन साथ ही इनकी मिमिक्री भी लाजवाब थी और उसी अच्छी मिमिक्री की वजह से ये वायरल भी हो गए। शशिकांत अपने वायरल होने का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन जी को देते हैं। शशिकांत में लोग अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं और बहुत देर तक लोग इन्हें पहचान भी नहीं पाते कि ये अमिताभ बच्चन जी हैं या फिर कोई और। शशिकांत टिकटॉक के एक फेमस स्टार थे और आज शशिकांत हर जगह छाए हुए हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह। लगभग 10 साल से स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ शशिकांत सिर्फ अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री और ये सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहे हैं। साल 2018 में शशिकांत ने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया था और ये टिकटॉक पर लगातार वायरल होते गए। इनकी वॉइस को तो लोगों ने पसंद किया ही और साथ ही लोग इनके लुक को भी देखकर खुश हुए, लेकिन जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो ये इंस्टाग्राम से जुड़ गए। शशिकांत ने इंस्टाग्राम साल 2015 में ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने जैसे ही इंस्टाग्राम पर रील्स का ऑप्शन देखा तो ये इंस्टाग्राम रील्स पर अपनी वीडियो डालने लगे। इनके इंस्टाग्राम आईडी शशिकांत पेटवाल के नाम से है, जिस पर इनके 231 के से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। इनका यूट्यूब चैनल शशिकांत पेटवाल के नाम से ही है, जिस पर इनके 12 के से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। शशिकांत आज अपनी अच्छी मिमिक्री और अपने लुक से छाए हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। शशिकांत पेटवाल की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में। जय हिंद। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ।